Hi, today we're going to talk about diagnostic assessment. Let us take example of a blood report. आज हम diagnostic assessment के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले एक example लेते हैं blood report. जब हम एक अपनी blood report, एक sample blood report है, जब हमारे को doctor कहते हैं कि आपके शरीर में कुछ कमी है, तो हम क्या करते हैं, अपने blood की analysis कराते हैं एग्जैक्ट कमी जानने के लिए. वो एग्जैक्ट कमी हमें बताती है कि क्या हमारे शरीर में कमी है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्लड रिपोर्ट आपके सामने आ रही है. इस ब्लड रिपोर्ट में हम ये देख सकते हैं क्या ग्लूकोज सही है, नहीं है, सोडियम सही है, नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड. इसी तरीके से अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो हम विटामिन बी या विटामिन ए या विटामिन सी की दवाई लेते हैं. हमसे ये नहीं कहा जाता कि आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो अब हम कोई से भी विटामिन ले सकते हैं. हमारे को एग्जैक्ट विटामिन का पता होना चाहिए, उसके लिए हम ब्लड रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट कराते हैं. वहां से हमें पता लगता है कि हमारा विटामिन B12 कम है, या विटामिन सी कम है, या विटामिन डी कम है. एग्जैक्ट डायग्नोसिस जब हमें हमारी ब्लड रिपोर्ट की पैथोलॉजी लैब देती है, तब हमें पता लगता है कि एग्जैक्ट क्या डेफिशिएंसी है हमारे शरीर के अंदर, एंड देन वी टेक द राइट काइंड ऑफ अ मेडिसिन. सिमिलरली आर योर डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स. डायग्नोस्टिक असेसमेंट में बेसिकली what we try to do is we divide topics and subtopics of every chapter. जैसे भी आप यहां पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यानी कि हम स्किल बेस चेक करते हैं. ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? आपने अपना एक सबमिटिव एग्जामिनेशन दिया, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिया, फाइनल एग्जामिनेशन दिया. फाइनल एग्जामिनेशन या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जब आपने दिया तो उसके रिजल्ट आया, आपके रिजल्ट आए 60%, 70%, 80% या 90% या 95%. अगर आपके 60% मार्क्स आए, दैट मींस आपको 40% ऑफ द पोर्शन का नहीं पता था, आपने उसकी नहीं पढ़ाई करी थी. जिसके 95 मार्क्स आए हैं, यानी कि उसने 5% ऑफ द पोर्शन नहीं पढ़ा था. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें यह नहीं पता कि हमने क्या नहीं पढ़ा. वी डोंट नो कि हमने क्या नहीं पढ़ा. इसको जानने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन सब्जेक्ट्स करने की कोशिश करेंगे. एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, हम हर चैप्टर को टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में बांट लेंगे. स्किल बेस्ड हो जाएगा. जब वो हर चैप्टर टॉपिक बेस्ड बढ़ जाएगा तो उस समय हम ये देखेंगे कि हमें जब उसकी कौन से स्किल हमें आता है और कौन से स्किल हमें नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लेते हैं क्लास सेकंड का EVS चैप्टर लिविंग इन नॉन लिविंग थिंग्स. अब अगर इसमें जो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स या स्किल्स हैं वो है लिविंग थिंग्स दैट कैन मूव, लिविंग थिंग्स दैट नीड्स फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अगर हमने ये सात के सात स्किल्स या टॉपिक या सब टॉपिक्स को पढ़ लिया और हमने एक टेस्ट दिया जिसमें हमें पता लग गया कि हमारे को लिविंग थिंग्स ब्रीथ वाला टॉपिक नहीं आता, जैसे ही हमको पता लगेगा लिविंग थिंग्स ब्रीथ वाला टॉपिक नहीं आता तो हम उसकी तैयारी कर लेंगे. एंड दिस इज द वे द स्टूडेंट्स कैन स्कोर, आर स्टूडेंट्स कैन स्कोर 100 out of 100, क्योंकि हमें ये पता लग जाएगा कि ये 5% बच्चे को नहीं आता, ये 10% नहीं आता, ये 15% नहीं आता, तो हम उसकी तैयारी करा सकते हैं, उसकी रेमिडियल क्लासेस ले सकते हैं. अगर पूरी क्लास को नहीं आता तो पूरी क्लास का रिविजन ले सकते हैं. उस क्लास से जब बच्चा पास आउट होकर बाहर निकलेगा तो उसे 100% चीजें आती भी होंगी.
तो नेक्स्ट क्लास में वो वीक नहीं रहेगा. नगीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स, शांति निकेतन विद्यापीठ, सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल एंड जैन इंटरनेशनल स्कूल, हमारे टीचर्स ने मिलकर बहुत मेहनत करके हर चैप्टर को डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए स्किल बेस्ड डिवाइड किया है. ये टेस्ट जब आप देते हैं तो नॉर्मल टेस्ट की तरह नहीं देना है कि हमने बराबर वाले से पूछ लिया और उसका आंसर लिख लिया. नहीं, इस टेस्ट को बच्चों को खुद देना है. द चिल्ड्रन हैव टू गिव दिस टेस्ट बाय देमसेल्व्स सो दैट दे आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दैट इन वन पर्टिकुलर चैप्टर और इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट द चाइल्ड डजंट नो. सो दिस डायग्नोस्टिक असेसमेंट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट असेसमेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड नगीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स. अब हम एक अगले चैप्टर का एग्जाम लेते हैं, सिविक्स. सिविक्स में पहला चैप्टर लेते हैं डेमोक्रेसी. इन डेमोक्रेसी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एंशियंट ग्रीस, मिडिवियल पीरियड, नेशनलिज्म, फिलोसफी एंड इंपीरियलिज्म. अब हमें यहां से ये, इसके बाद और भी है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, नीड ऑफ डेमोक्रेसी एंड की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब अगर हमने एक टेस्ट दिया और हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे आंसर नहीं दे पाए तो हमें पता लग जाएगा कि इन चैप्टर डेमोक्रेसी हमारे को फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं मालूम है, तो हम उसका रिविजन कर लेंगे. या हमारे को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं पता तो हम उसकी तैयारी कर लेंगे. तो इन दिस वे वी विल बी एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100. लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ क्लास मैथ्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स. रेशनल नंबर चैप्टर है. अब रेशनल नंबर चैप्टर में देर आर मेनी स्किल्स, देर आर मेनी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स एंड दीज आर रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल्स, नेगेटिव रेशनल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल, कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, ascending order of rational numbers, descending order, representation of rational numbers on a real line, addition of rational numbers, closure property, commutative law, associative law, existence identity, additive inverse, word problems on additive inverse, closure property, commutative and associative law, multiplication identity, multiplicative inverse, distributive law of multiplication and over addition, divide of rational number, divide word problem, then rational number, like this. ये हमने एक चैप्टर को बहुत सारे सब टॉपिक्स या सब स्किल्स में हमने डिवाइड कर दिया. अब हमने एक टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद अगर हमने हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल बी एबल to get 100 out of 100. हमारी कोई कमी ही नहीं रहेगी. तो अगेन आई एम रिपीटिंग एंड अगेन ग्रुप ऑफ स्कूल्स, दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग विच आर टीचर्स हैव वर्क वेरी वेरी हार्ड, एंडलेस नाइट्स टीचर्स हैव स्पेंड इन मेकिंग ऑफ दीज डायग्नोस्टिक असेसमेंट प्रॉब्लम्स एंड टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स. लेट अस टेक इन क्लास 12th मैनेजमेंट, दैट इज बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर मैनेजमेंट. Now, see, these are all the subtopics. Now, if in this chapter, the teachers have worked so hard that they've created 114 subtopics out of one chapter. Agar ye same pathology lab ki tarah hai, aapko exact pata lagega, aapke vitamin B1 kam hai, B2 kam hai, B3 kam hai, B4 kam hai, B12 kam hai, ya vitamin C ki kami hai, ya magnesium ki kami hai, या आपको विटामिन ए की कमी है या विटामिन डी की कमी है. और हमें जो पता लग जाएगा उसी की हम दवाई एग्जैक्टली लेके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एंड सेम विल हैपन नाउ अगेन. यू कैन सी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, एम्फेसिस ऑन गोल्स, यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट एसोसिएटेड विद ग्रुप एफर्ट्स, इंटेंजिबल एक्टिविटी, अनफोर्सीन अनसीन फोर्स, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, डायनामिक फंक्शन. नाउ if we know all these subtopics of a particular chapter, then don't you think you can score 100 out of 100? And this is what we want. This is what we want, that our students must get 100 out of 100. So the advantage is you can get 100 out of 100. Now, during this COVID times, hamare 2 saal ki studies bahut miss hui hain. How do we cope up? How do we know what we know and we don't know?
दिस इज द वे हमें यह पता लग जाएगा कि हमें यह आता है या हमें यह नहीं आता। और जैसे ही हमें पता लग जाता है कि हमें नहीं आता तो हम उस टॉपिक पे वर्क कर सकते हैं, उस टॉपिक की रेमिडियल क्लास को चला सकते हैं, उस टॉपिक पे हम वर्क कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो स्कोर है वो 100 out of 100 आएगा। हम कोविड टाइम्स में जो हमारे कमी आ गई है, एंड फॉर ऑल द पेरेंट्स, वी डोंट नो विच टॉपिक योर चाइल्ड नोज एंड विच टॉपिक योर चाइल्ड डजंट नो। नाउ दिस विद दिस डायग्नोस्टिक असेसमेंट वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट योर चाइल्ड इज अनअवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। He has to study this particular topic. She has to study this particular topic so that when he or she reaches to next class, wo 100% aapka bacha perfect ho. And this is the only way we will be able to do it. Let us do it. Let us take this diagnostic assessment on a very serious note. Let us find out all the possible skills, topics and subtopics we are unaware of. And then we will be able to score 100 out of 100 and we will not be weak in the next class. Aap 7th class tak ka, 1st to 7th tak ka jitna kami hai, hum aaj dhoond ke usse pura karenge. Hum uski remedial classes lenge. Hum us pe work on karenge. Aur yeh ek tarika hoga, jab hum next class mein jayenge, to hum 100% perfect hoke bahar nikle. Thank you very much. Have a great day.